नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश अफसरनामा और मैं हूं सुंदर सोलंकी। अफसरनामा में आज बात हो रही है सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर, और बड़ी बात बता दें कि जो वाटर रिसोर्सेस विभाग है जो, उसमें भी ये जिम्मेवारी है। डॉक्टर सतबीर सिंह कादियान हमारे साथ मौजूद हैं। कादियान सर, आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार की तरफ से ये बड़ा दावा किया जा रहा है कि 25 बरस में जो साउथ हरियाणा में पानी पहुंचाने की बात हुई है वो प्रयास इस सरकार के द्वारा किया गया है, आप लोगों के द्वारा किया गया है। ये हार्ड फैक्ट है। जो परियोजना लिफ्ट स्कीम जिसको कहते हैं, 1976 में ये बनी थी और उसके कुछ साल बाद ही ये लगभग डिफंक्ट हो गई। लेट 80s तक आते आते डिफंक्ट हो गई थी। पिछले 25 सालों में इसकी हालत नेगलेक्ट और ना सर्विस होने के कारण लगभग एक्सटिंक्ट हो गई थी, और सरकार ने आने के बाद सबसे पहला और बड़ा कदम जल संसाधनों के सदुपयोग और उसको आखिरी छोर तक ले जाने के लिए बिल्कुल क्लियर कट एक मिशन था, और उस मिशन में सफलता हासिल की है। देखिए, सरकार की तरफ से दावा ज़रूर था कि 25 बरस की स्थिति जो साउथ के हरियाणा के लोगों को पानी देने की थी वो, लेकिन डॉक्टर साहब ये कैसे हुआ, कैसे किया आपने ज़मीन पे, इसे किस तरह जी? मैं थोड़ा सा इसका टेक्निकल पहलू बताना चाहूँगा कि यमुना का जो जल स्तर है वो सी लेवल से एवरेज 205 मीटर पे है, और जो हमारा नारनौल का एरिया है, ऊंचा एरिया है, वो 424 मीटर धरातल की सी लेवल की ऊंचाई पे है। चैलेंज ये रहा होगा कि यमुना के पानी को वहाँ तक कैसे लेके जाया जाए, या कैनाल से उस पॉइंट तक पानी कैसे लेके जाए, और वो लगभग रेगिस्तान का एरिया है। उसका अगर आप टेरेन देखेंगे तो वो राजस्थान से अधिक मेल खाता है और हरियाणा से कम मेल खाता है। वहाँ पर पानी ले जाने के लिए डिफरेंट स्टेप्स में पानी को उठाया गया, फिर ग्रेविटी से जितना दूर वो जा सकता है वहाँ ले जाया गया, और फिर मल्टीपल स्टेजेस पे, ऐसी लगभग 237 स्टेजेस हैं, उन स्टेजेस से पानी को उठान करके हम एंड तक पानी को लेके जाते हैं। और इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये नहीं है कि पानी की उपलब्धता, पानी अगर उपलब्ध भी हो जाए और अगर एक भी कड़ी उसमें काम करना बंद कर दे किसी भी कारण से, चाहे वो पावर कट की वजह से, चाहे वो मशीनरी के फेल होने की वजह से, या किन्हीं अन्य कारण से अगर एक भी कड़ी इनऑपरेशनल हो जाती है तो पूरा का पूरा आपका सिस्टम रुक जाता है। इस पूरे के पूरे सिस्टम को ठीक करना, इसकी रिलायबिलिटी को इंश्योर करना और फिर इसको चलाना, ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। और सरकार ने आते ही एक डॉक्टर अभय सिंह की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया, जिसमें उन्होंने खुद डॉक्टर अभय सिंह ने, एमएलए नांगल चौधरी, हथनी कुंड से लेके शाहबाजपुर जो हमारा आखिरी छोर आता है नहर का, उस पॉइंट तक उन्होंने खुद कैनाल के अलोंग ट्रेवल किया और एक रिपोर्ट दी जिसको विधानसभा के पटल पे 2015 में रखा गया। 2016 जुलाई में जब मैंने जिम्मेदारी संभाली, उसके बाद मैंने उस रिपोर्ट के सारे तकनीकी पहलुओं को जाना, उन सारी कमियों को जिनकी वजह से ऑपरेशन स्मूथ नहीं था उसको देखा और फिर उस पर काम किया। इस काम का असली श्रेय तो जाना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने अनकंडीशनल सपोर्ट किया कि आप इस काम को करिए। मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर तक वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे, तो उससे पानी की उपलब्धता बारिश के दिनों में हरियाणा के लिए निश्चित बढ़ेगी। अब बात है कि बारिश के दिनों में ही पानी के इतना महत्व क्यों, जबकि खेतों में तो पानी की ज़रूरत होती नहीं। ये सुपरफिशियली ठीक लगता है सवाल कि जब पानी की ज़रूरत हो तो ना हो, पर पानी मात्र ऐसा नहीं है कि साल के एक दौर में पानी उपलब्ध हो और बाकी दौर में ज़रूरत ना हो। अगर इस इशू को हम, इस चेतना को 25 साल पहले एड्रेस कर गए होते तो आज नारनौल में जो भूजल स्तर है वो 3000 क्यूसेक 3000 फीट पे नहीं गया होता, आपके जो
लोहारू का एरिया है, वहाँ पे लगभग 900 फुट पे ज़मीनी पानी है, कई जगहों पे पानी उपलब्ध ही नहीं है। बारिश के दिनों के पानी को कैसे सुनियोजित तरीके से ग्राउंड वाटर के साथ, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, ये एक्सपेरिमेंट माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस सरकार ने किया है। हरियाणा में ये आपके जो प्रयास हैं, अगर वहाँ के साउथ हरियाणा के इलाके के लोगों की बात करें, क्या समझते हैं, कितना फर्क आया उनके जीवन में, क्या वो आपके इस प्रयास को मान भी रहे हैं? मैं बताना चाहूँगा कि हरियाणा के साउथ हिस्से के अंदर पानी लाने के लिए तीन नदियाँ थीं, कृष्णावती, दोहन और साबी। ये तीनों नदियाँ अरावली से निकलती हैं और इन तीनों नदियों पे राजस्थान ने लगभग 90-95 तक छोटे छोटे चेक डैम बना के इनको, इनके बहाव को बिल्कुल रोक दिया है। अब कृष्णावती नदी बिल्कुल सूखी है, दोहन सूखी है, साबी सूखी है। हमने जो सरप्लस पानी था हमारा, उस पानी से कृष्णावती में लगभग हम 8.5 किलोमीटर तक पानी लेके गए। हमने पानी को अपनी एक अटेला डिस्ट्रीब्यूटरी है उसमें पड़ता था, उसमें एक एस्केप था, उसके बाद कृष्णावती में डाला। वहाँ से पानी लगभग 8.5 किलोमीटर गया और लगभग 16 गांव ने उसमें से पानी उठाया। उन दिनों में फसलों के लिए पानी पंप लगा के उठा लिया, लेकिन उसने दो काम किए, फसल में सींचने का काम किया और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज किया। अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उस एरिया की, वहाँ पे ग्राउंड वाटर में जो भूजल स्तर है उसमें लगभग 350 फीट पानी ऊपर आया है। यही एक्सपेरिमेंट हमारा साबी का रहा। हमने मसानी बराज में लगभग 20,500 एकड़ फीट पानी भरा। आज मसानी बराज में, उसके आसपास के पूरे एरिया में भूजल स्तर लगभग 200 फीट ऊपर आया है। और ये फैक्ट्स मैंने नहीं, वो सेंट्रल ग्राउंड वाटर की रिपोर्ट या वहाँ के लोगों से आप वेरीफाई कर सकते हैं। यही हाल हमारा नारनौल के अंदर से रहा। नारनौल में जल महल में लगभग 15 फीट हमने पानी भरा। स्ट्रक्चर है वो एक बहुत नया 16 सेंचुरी का स्ट्रक्चर है। उससे नारनौल टाउन के अंदर लगभग 250 फीट पानी ऊपर आया है, जो लोग जिनको ग्राउंड वाटर तक एक्सेस है। यही हाल हमने दोहन में किया कि ग्राउंड वाटर को रिचार्ज किया और पानी को सिंचाई के लिए भी इस्तेमाल किया। आपने ये सवाल पूछा कि क्या लोगों के जीवन में इसका कोई असर आया। आप एग्रीकल्चर के डाटा उठा के देखें, जो हमारी रबी की क्रॉप थी उसमें लगभग लोहारू, दादरी, नानोल, महेंद्रगढ़, कुछेरिया, रिवाड़ी का लगभग 2 गुना बिजाई अधिक हुई है। और उसका प्रमाण उसकी आउटपुट से आप एग्रीकल्चर विभाग से पता करें, लोगों के जीवन स्तर में डेफिनेटली बदलाव आया है। एग्रीकल्चर को सपोर्ट किया है, पानी जलाशयों में पानी, जो पॉन्ड्स हैं उनमें पानी नहीं भरा गया था, सालों से नहीं भरा गया था, उनमें पानी भरा गया है। पॉन्ड अपने आप में एक लोकल इकोनॉमी का पार्ट है, उससे जो लोग जिनके पास कृषि नहीं होती वो अपना जीवन यापन कुछ पशुपालन से करते हैं, तो उनकी लाइफ की क्वालिटी में फ़र्क आया है। अब बहुत बड़ा एक फ़र्क और उसका कोई मैं ऐसा दावा करूं वो उचित नहीं होगा, पर आप ग्राउंड से पता करेंगे हकीकत बदली है। आप दावा कर रहे हैं हकीकत बदली है, लेकिन बार बार ये सवाल उठते हैं कि आप तो ये दावा करते हैं कि आखिरी टेल तक पहुंचा दिया, लेकिन ऐसे लगता है कि बस एक जो सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए कि वो लगातार वहाँ के लोगों को मिले, वो स्थिति नहीं बन पाई अभी। बहुत बढ़िया, आपने ये बिल्कुल एक इम्पोर्टेंट सवाल है कि जनरली एक बार दिखाने के लिए एफर्ट कर दें। पहली बात तो ये आप मान लें कि ये जो गालिब साहब का है, आग का दरिया है और डूब के जाना है, तो मेरा कमिटमेंट वो डूब के जाने वाला है। वी विल डू इट नाउ एंड अगेन, ये सस्टेनेबल प्रयास है। सरकार ने नाबार्ड की सहायता से एक प्रोजेक्ट मंजूर किया था जिसमें 143 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, जिसमें 100 करोड़ पंप्स जो इसमें लगे हैं, लगभग 4,000 पंप इन्वॉल्व हैं जो लगे हुए हैं। उन पंपों को उनका नवीनीकरण, उनका बदलाव और जो स्ट्रक्चर्स बहुत पुराने हैं उनको ठीक करना।
ये राशि पूरी तो नहीं है सारी चीज़ों को बदल देने के लिए, लेकिन इससे जो की एरियाज हैं उनको एड्रेस किया गया। और मार्च 2017 में अगर मैं इसका इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन शुरू करने की बात करूं, मार्च 2018 तक हमने मेन जितने पंप स्टेशंस हैं, जिसमें JF1 जिसको अकेड़ी मदनपुर कहते हैं, जो पहला पंप हाउस है हमारा बड़ा, दूसरा सालावास पे हमारा JF2 बड़ा पंप हाउस है, उसके अलावा महेंद्रगढ़ सिस्टम के जितने भी पंप हैं महेंद्रगढ़ और नानोल के, सबको बदल दिया है, उनको नया बनाया गया है, नए पंप लगाए गए हैं। तो ये मान के चलें कि ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ एक डेमोंस्ट्रेशन एक्सपेरिमेंट नहीं था, ये सस्टेनेबल भी है। और अब नए पंप आ गए, तो पिछली बार तो बारिशों में बारिश के दिनों में हमारे पास नए पंप नहीं थे, इस बार तो हमारे पास सारा सिस्टम नया है, तो परिणाम पिछली बार से अधिक और बेहतर स्तर के होंगे, ये मान के चलें। सब ये बड़ी अच्छी बात है, बधाई के पात्र हैं आप, इस तरह का प्रयास है आपका। इरिगेशन की आप ये बात हो गई, सिंचाई का पानी वहाँ के किसानों को आप देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पीने के पानी की समस्या भी वहाँ कम नहीं है, वही स्थिति है, उसके लिए क्या कुछ किया गया? पहली बात तो कैनाल में पानी जाने पे था, अब फोकस, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने लास्ट वीक ही मीटिंग लेके हमारे पास जितना पानी सिंचाई के लिए चाहिए वो लगभग 85% है टोटल वाटर डिमांड में, 15% हमारे पास डिमांड पानी पीने के लिए है। अगर मैं ये कहूँ कि हमारे पास वर्स्ट केस सिचुएशन में मान लो 50% ही पानी अवेलेबल है, तब भी हम उस 15% को तो पूरा कर ही सकते हैं, लेकिन अभी नेटवर्क डेवलप नहीं हुआ है। आप कैनाल में पानी लेके जाते हैं, कैनाल से आपके डिस्ट्रीब्यूटरी में पानी जाता है, डिस्ट्रीब्यूटरी से आपके पास माइनर में पानी जाता है, और कई जगह उस माइनर के आखिरी छोर पर पब्लिक हेल्थ को पानी देने के लिए आपका एक सिस्टम लगा हुआ है। तो ऐसी सोच चल रही है कि एक नेटवर्क बड़ा बने जिसमें पीने के पानी को सीधा हेड पे शिफ्ट कर दिया जाए। उससे क्या होगा कि आपको जब भी पानी जो भी मिलेगा, हेड पे पानी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी, टेल पे पानी की अवेलेबिलिटी कम रहती है, ये एक नॉर्मल प्रिंसिपल है। तो जब हेड पे पानी होगा तो उस पानी से आप लगातार वाटर वर्क्स को भर पाएंगे। दूसरा जो बड़ा चैलेंज खड़ा हुआ वो ये हुआ कि पिछले 25 सालों में जो पानी की उपलब्धता है, जो साइकिल था पानी का, वो बहुत बुरे तरीके से इफ़ेक्ट हुआ। मैं इस साल की और अब से 2 साल की तुलना पीछे की करूँगा। इस साल यमुना में फरवरी मार्च के महीने में लगभग 1500 क्यूसेक पानी आया, पिछले सालों में ये पानी की उपलब्धता लगभग इससे 3 गुना होती थी। अब आप सोचें कि उस कम पानी में आप लोगों को एक टेंडेंसी रहती है सिंचाई के लिए भी ले लें और पीने का पानी भी पूरा करना होता है, तो एक से अधिक जितने ग्रुप में पानी को चलाना होता है पानी की पूरी डिमांड करने के लिए, पहले 3 ग्रुप होते थे, फिर उसको 4 ग्रुप में चला गया, इस बार वो 5 ग्रुप में चल रहा है। 5 ग्रुप का ये मतलब होता है कि आप 8 दिन पानी देंगे और 32 दिन पानी बंद रहेगा। तो जो हमारे पब्लिक हेल्थ के वाटर वर्क्स का डिज़ाइन है वो अधिकतम किया गया 3 साइकिल्स पे या 4 साइकिल पे, 4 टर्न पे, यानी कि आप 24 दिन बंद रखेंगे पानी और 8 दिन पानी देंगे, या आप 32 दिन बंद रखेंगे 8 दिन देंगे। तो वो साइकिल, क्योंकि डिज़ाइन कैपेसिटी कम थी उन पॉन्स की, वो सूख गए। कई जगह पे एक क्राइसिस आया इस बार, पानी बिल्कुल नहीं था और जिस पॉन्ड में पानी होना चाहिए था वो पॉन्ड सूख गया, क्योंकि उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है, होल्डिंग कैपेसिटी इतनी नहीं है, और हमारी पीओ टर्न 4 हो गई 5 हो गई। तो ये एक बड़ा चैलेंज है आने वाले टाइम में कि इसको हम इस तरीके से प्लान करें कि हम लंबे से लंबा साइकिल लेके, कि आपके मान लो पानी 40 दिन बाद पानी आए तो आपकी होल्डिंग कैपेसिटी 40 दिन पे डिज़ाइन करना पड़ेगा। अभी तक जितने भी हमारे पास वाटर वर्क्स हैं उनकी होल्डिंग कैपेसिटी 24 डेज़ हैं, तो
तो अगर हमारे पास पानी कम है और हम सब जगह पानी लेके जाना चाहेंगे तो जाहिर है आप तीन से ज़्यादा पीओ टर्न रखेंगे, तीन से ज़्यादा जैसे ही आप रखते हैं तो ये सूखने की स्थिति आ जाती है। आप अगर इस तरह से प्रयास करते रहें, सरकार इस तरह से गंभीरता से ले, तो कम से कम प्रदेश में तो ऐसी स्थिति से बचाया जा सकता है। आप मानते हैं क्या ऐसी आदर्श स्थिति बनेगी? बचाया जा सकता है, लोग भी सचेत हुए हैं, जो चेतना का स्तर है लोगों को बढ़ा है, और ये एक मान लो विभाग इसमें सचेत हो जाए और लोगों की भागीदारी हो ना हो, ऐसा नहीं है, ये दोनों तरफ से एफर्ट होने होंगे और लोग सचेत हुए हैं। अभी एक सरकार ने जो प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें टूंटी लगाओ पानी बचाओ वाला अभियान है, बहुत सारी ऐसी चेतनाएं हैं और उन पर काम हो रहा है, लोग भी आगे आ रहे हैं, उनमें भी एक जो ओवरऑल सेंसिटिविटी है वो बढ़ी है इस विषय को लेके कि आगे पानी नहीं है, पानी को कैसे बचाया जाए, कैसे संग्रहित किया जाए, कैसे उसको ऑप्टिमली यूज़ किया जाए, हर स्तर पे काम हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये सारे प्रयास अल्टीमेटली इस बात पे कल्मिनेट होंगे कि हम उस भयावह स्थिति से बच पाएंगे। डॉक्टर साहब ने बड़ी शानदार बात ये कही है कि इस तरह की स्थिति, जिस तरह के प्रयास किए गए हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट और जो वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट है, कि पानी को खासकर जो ये लड़ाई रहती थी कि साउथ हरियाणा में एक अनदेखी की जाती है पानी के लिहाज से, लेकिन इस सरकार ने और डॉक्टर साहब की जो टीम है लगातार ऐसे प्रयास किए हैं कि वहाँ की समस्या ये ख़त्म हो सिंचाई की, और पीने के पानी को लेकर भी जोर दिया जा रहा है कि वहाँ ये दिक्कत भी ना रहे। और अफसरनामा में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि आखिर डॉक्टर साहब ने क्या वजह रही कि जो ये पब्लिक की इतनी बड़ी जो जिम्मेवारी है इस मुकाम को हासिल करना, और इसकी वजह क्या, उन्हीं के मुंह से जानेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश अफसरनामा और मैं हूं सुंदर सोलंकी। अफसरनामा में आज बात हो रही है सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर, और बड़ी बात बता दें कि जो वाटर रिसोर्सेस विभाग है जो, उसमें भी ये जिम्मेवारी है। डॉक्टर सतबीर सिंह कादियान हमारे साथ मौजूद हैं। कादियान सर, आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार की तरफ से ये बड़ा दावा किया जा रहा है कि 25 बरस में जो साउथ हरियाणा में पानी पहुँचाने की बात हुई है वो प्रयास इस सरकार के द्वारा किया गया है, आप लोगों के द्वारा किया गया है, ये हार्ड फैक्ट है। जो परियोजना लिफ्ट स्कीम जिसको कहते हैं 1976 में ये बनी थी, और उसके कुछ साल बाद ही ये लगभग डिफंक्ट हो गई, लेट 80s तक आते आते डिफंक्ट हो गई थी। पिछले 25 सालों में इसकी हालत नेगलेक्ट और ना सर्विस होने के कारण लगभग एक्सटिंक्ट हो गई थी, और सरकार ने आने के बाद सबसे पहला और बड़ा कदम जल संसाधनों के सदुपयोग और उसको आखिरी छोर तक ले जाने के लिए बिल्कुल क्लियर कट एक मिशन था, और उस मिशन में सफलता हासिल की है। देखिए, सरकार की तरफ से दावा ज़रूर था कि 25 बरस की स्थिति जो साउथ के हरियाणा के लोगों को पानी देने की थी वो, लेकिन डॉक्टर साहब ये कैसे हुआ, कैसे किया आपने ज़मीन पे से किस तरह जी? मैं थोड़ा सा इसका टेक्निकल पहलू बताना चाहूँगा कि यमुना का जो जल स्तर है वो सी लेवल से एवरेज 205 मीटर पे है, और जो हमारा नारनौल का एरिया है, ऊंचा एरिया है, वो 424 मीटर धरातल की सी लेवल की ऊंचाई पे है। चैलेंज ये रहा होगा कि यमुना के पानी को वहाँ तक कैसे लेके जाया जाए, या कैनाल से उस पॉइंट तक पानी कैसे लेके जाए, और वो लगभग रेगिस्तान का एरिया है, उसका अगर आप टेरेन देखेंगे तो वो राजस्थान से अधिक मेल खाता है और हरियाणा से कम मेल खाता है। वहाँ पर पानी ले जाने के लिए डिफरेंट स्टेप्स में पानी को उठाया गया, फिर ग्रेविटी से जितना दूर वो जा सकता है वहाँ ले जाया गया, और फिर मल्टीपल स्टेजेस पे, ऐसी लगभग 237 स्टेजेस हैं,
उन स्टेजेस से पानी को उठान करके हम एंड तक पानी को लेके जाते हैं। और इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये नहीं है कि पानी की उपलब्धता, पानी अगर उपलब्ध भी हो जाए और अगर एक भी कड़ी उसमें काम करना बंद कर दे किसी भी कारण से, चाहे वो पावर कट की वजह से, चाहे वो मशीनरी के फेल होने की वजह से या किन्हीं अन्य कारण से, अगर एक भी कड़ी इनऑपरेशनल हो जाती है तो पूरा का पूरा आपका सिस्टम रुक जाता है। इस पूरे के पूरे सिस्टम को ठीक करना, इसकी रिलायबिलिटी को इंश्योर करना और फिर इसको चलाना, ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। और सरकार ने आते ही एक डॉक्टर अभय सिंह की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया, जिसमें उन्होंने खुद डॉक्टर अभय सिंह ने, एमएलए नांगल चौधरी, हथनी कुंड से लेके शाहबाजपुर जो हमारा आखिरी छोर आता है नहर का, उस पॉइंट तक उन्होंने खुद कैनाल के अलोंग ट्रेवल किया और एक रिपोर्ट दी जिसको विधानसभा के पटल पे 2015 में रखा गया। 2016 जुलाई में जब मैंने जिम्मेदारी संभाली, उसके बाद मैंने उस रिपोर्ट के सारे तकनीकी पहलुओं को जाना, उन सारी कमियों को जिनकी वजह से ऑपरेशन स्मूथ नहीं था उसको देखा और फिर उस पर काम किया। इस काम का असली श्रेय तो जाना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने अनकंडीशनल सपोर्ट किया कि आप इस काम को करिए। मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर तक वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे, तो उससे पानी की उपलब्धता बारिश के दिनों में हरियाणा के लिए निश्चित बढ़ेगी। अब बात है कि बारिश के दिनों में ही पानी के इतना महत्व क्यों, जबकि खेतों में तो पानी की ज़रूरत होती नहीं। ये सुपरफिशियली ठीक लगता है सवाल के जब पानी की ज़रूरत हो तो ना हो, पर पानी मात्र ऐसा नहीं है कि साल के एक दौर में पानी उपलब्ध हो और बाकी दौर में ज़रूरत ना हो। अगर इस इशू को हम, इस चेतना को 25 साल पहले एड्रेस कर गए होते तो आज नारनौल में जो भूजल स्तर है वो 3000 फीट पे नहीं गया होता। आपके जो लोहारू का एरिया है वहाँ पे लगभग 900 फुट पे ज़मीनी पानी है, कई जगहों पे पानी उपलब्ध ही नहीं है। बारिश के दिनों के पानी को कैसे सुनियोजित तरीके से ग्राउंड वाटर के साथ, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, ये एक्सपेरिमेंट माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस सरकार ने किया है। हरियाणा में ये आपके जो प्रयास हैं, अगर वहाँ के साउथ हरियाणा के इलाके के लोगों की बात करें, क्या समझते हैं, कितना फर्क आया उनके जीवन में, क्या वो आपके इस प्रयास को मान भी रहे हैं? मैं बताना चाहूँगा कि हरियाणा के साउथ हिस्से के अंदर पानी लाने के लिए तीन नदियाँ थी, कृष्णावती, दोहन और साबी। ये तीनों नदियाँ अरावली से निकलती हैं और इन तीनों नदियों पे राजस्थान ने लगभग 90-95 तक छोटे छोटे चेक डैम बना के इनको, इनके बहाव को बिल्कुल रोक दिया है। अब कृष्णावती नदी बिल्कुल सूखी है, दोहन सूखी है, साबी सूखी है। हमने जो सरप्लस पानी था हमारा, उस पानी से कृष्णावती में लगभग हम 8.5 किलोमीटर तक पानी लेके गए। हमने पानी को अपनी एक अटेला डिस्ट्रीब्यूटरी है उसमें पड़ता था, उसमें एक एस्केप था, उसके बाद कृष्णावती में डाला। वहाँ से पानी लगभग 8.5 किलोमीटर गया और लगभग 16 गांव ने उसमें से पानी उठाया। उन दिनों में फसलों के लिए पानी पंप लगा के उठा लिया, लेकिन उसने दो काम किए, फसल में सींचने का काम किया और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज किया। अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उस एरिया की, वहाँ पे ग्राउंड वाटर में जो भूजल स्तर है उसमें लगभग 350 फीट पानी ऊपर आया है। यही एक्सपेरिमेंट हमारा साबी का रहा। हमने मसानी बराज में लगभग 20,500 एकड़ फीट पानी भरा। आज मसानी बराज में, उसके आसपास के पूरे एरिया में भूजल स्तर लगभग 200 फीट ऊपर आया है। और ये फैक्ट्स मैंने नहीं, वो सेंट्रल ग्राउंड वाटर की रिपोर्ट या वहाँ के लोगों से आप वेरीफाई कर सकते हैं। यही हाल हमारा नारनौल के अंदर से रहा। नारनौल में जल महल में लगभग 15 फीट हमने पानी भरा। स्ट्रक्चर है वो एक बहुत नायाब 16th सेंचुरी का स्ट्रक्चर है। उससे नारनौल टाउन के अंदर
लगभग 250 फीट पानी ऊपर आया है जो लोग जिनको ग्राउंड वाटर तक एक्सेस है। यही हाल हमने दोहन में किया कि ग्राउंड वाटर को रिचार्ज किया और पानी को सिंचाई के लिए भी इस्तेमाल किया। आपने ये सवाल पूछा कि क्या लोगों के जीवन में इसका कोई असर आया। आप एग्रीकल्चर के डाटा उठा के देखें, जो हमारी रबी की क्रॉप थी उसमें लगभग लोहारू, दादरी, नानोल, महेंद्रगढ़, कुछेरिया रिवाड़ी का लगभग 2 गुना बिजाई अधिक हुई है, और उसका प्रमाण उनकी उसकी आउटपुट से आप एग्रीकल्चर विभाग से पता करें। लोगों के जीवन स्तर में डेफिनेटली बदलाव आया है, एग्रीकल्चर को सपोर्ट किया है। पानी जलाशयों में पानी, जो पॉन्ड्स हैं उनमें पानी नहीं भरा गया था, सालों से नहीं भरा गया था, उनमें पानी भरा गया है। पॉन्ड अपने आप में एक लोकल इकोनॉमी का पार्ट है, उससे जो लोग जिनके पास कृषि नहीं होती वो अपना जीवन यापन कुछ पशुपालन से करते हैं, तो उनकी लाइफ की क्वालिटी में फ़र्क आया है। अब बहुत बड़ा एक फ़र्क और उसका कोई मैं ऐसा दावा करूं वो उचित नहीं होगा, पर आप ग्राउंड से पता करेंगे हकीकत बदली है। आप दावा कर रहे हैं हकीकत बदली है, लेकिन बार बार ये सवाल उठते हैं कि आप तो ये दावा करते हैं कि आखिरी टेल तक पहुँचा दिया, लेकिन ऐसे लगता है कि बस एक जो सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए कि वो लगातार वहाँ के लोगों को मिले, वो स्थिति नहीं बन पाई अभी। बहुत बढ़िया, आपने ये बिल्कुल एक इम्पोर्टेंट सवाल है कि जनरली एक बार दिखाने के लिए एफर्ट कर दें। पहली बात तो ये आप मान लें कि ये जो गालिब साहब का है, आग का दरिया है और डूब के जाना है, तो मेरा कमिटमेंट वो डूब के जाने वाला, वी विल डू इट नाउ एंड अगेन, ये सस्टेनेबल प्रयास है। सरकार ने नाबार्ड की सहायता से एक प्रोजेक्ट मंजूर किया था जिसमें 143 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, जिसमें 100 करोड़ पंप्स जो इसमें लगे हैं, लगभग 4000 पंप इन्वॉल्व हैं जो लगे हुए हैं, उन पंपों को उनका नवीनीकरण, उनका बदलाव और जो स्ट्रक्चर्स बहुत पुराने हैं उनको ठीक करना। ये राशि पूरी तो नहीं है सारी चीज़ों को बदल देने के लिए, लेकिन इससे जो की एरियाज हैं उनको एड्रेस किया गया। और मार्च 2017 में मैं इसका इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन शुरू करने की बात करूं, मार्च 2018 तक हमने मेन जितने पंप स्टेशंस हैं, जिसमें GF1 जिसको अकेड़ी मदनपुर कहते हैं, जो पहला पंप हाउस है हमारा बड़ा, दूसरा सालावास पे हमारा GF2 बड़ा पंप हाउस है, उसके अलावा महेंद्रगढ़ सिस्टम के जितने भी पंप हैं, महेंद्रगढ़ और नानोल के, सबको बदल दिया है, उनको नया बनाया गया है, नए पंप लगाए गए हैं। तो ये मान के चलें कि ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ एक डेमोंस्ट्रेशन एक्सपेरिमेंट नहीं था, ये सस्टेनेबल भी है। और अब नए पंप आ गए, तो पिछली बार तो बारिशों में बारिश के दिनों में हमारे पास नए पंप नहीं थे, इस बार तो हमारे पास सारा सिस्टम नया है, तो परिणाम पिछली बार से अधिक और बेहतर स्तर के होंगे, ये मान के चलें। सब ये बड़ी अच्छी बात है, बधाई के पात्र हैं आप, इस तरह का प्रयास है आपका। इरिगेशन की आप ये बात हो गई, सिंचाई का पानी वहाँ के किसानों को आप देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पीने के पानी की समस्या भी वहाँ कम नहीं है, वही स्थिति है, उसके लिए क्या कुछ किया गया? पहली बात तो कैनाल में पानी जाने पे था, अब फोकस, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने लास्ट वीक ही मीटिंग लेके हमारे पास जितना पानी सिंचाई के लिए चाहिए वो लगभग 85% है टोटल वाटर डिमांड में, 15% हमारे पास डिमांड पानी पीने के लिए है। अगर मैं ये कहूँ कि हमारे पास वर्स्ट केस सिचुएशन में मान लो 50% ही पानी अवेलेबल है, तब भी हम उस 15% को तो पूरा कर ही सकते हैं, लेकिन अभी नेटवर्क डेवलप नहीं हुआ है। आप कैनाल में पानी लेके जाते हैं, कैनाल से आपके डिस्ट्रीब्यूटरी में पानी जाता है, डिस्ट्रीब्यूटरी से आपके पास माइनर में पानी जाता है, और कई जगह उस माइनर के आखिरी छोर पर पब्लिक हेल्थ को पानी देने के लिए आपका एक सिस्टम लगा हुआ है। तो ऐसी सोच चल रही है कि एक नेटवर्क बड़ा बने जिसमें पीने के पानी को सीधा हेड पे शिफ्ट कर दिया जाए। उससे क्या होगा कि आपको जब भी पानी जो भी मिलेगा, हेड पे पानी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी, टेल पे पानी की अवेलेबिलिटी
कम रहती है, ये एक नॉर्मल प्रिंसिपल है। तो जब हेड पे पानी होगा तो उस पानी से आप लगातार वाटरवर्क्स को भर पाएंगे। दूसरा जो बड़ा चैलेंज खड़ा हुआ वो ये हुआ कि पिछले 25 सालों में जो पानी की उपलब्धता है, जो साइकिल था पानी का, वो बहुत बुरे तरीके से इफ़ेक्ट हुआ। मैं इस साल की और अब से 2 साल की तुलना पीछे की करूँगा। इस साल यमुना में फरवरी मार्च के महीने में लगभग 1500 क्यूसिक पानी आया। पिछले सालों में ये पानी की उपलब्धता लगभग इससे 3 गुना होती थी। अब आप सोचें कि उस कम पानी में आप लोगों को एक टेंडेंसी रहती है सिंचाई के लिए भी ले लें और पीने का पानी भी पूरा करना होता है, तो एक से अधिक जितने ग्रुप में पानी को चलाना होता है पानी की पूरी डिमांड करने के लिए, पहले 3 ग्रुप होते थे, फिर उसको 4 ग्रुप में चला गया, इस बार वो 5 ग्रुप में चल रहा है। 5 ग्रुप का ये मतलब होता है कि आप 8 दिन पानी देंगे और 32 दिन पानी बंद रहेगा। तो जो हमारे पब्लिक हेल्थ के वाटर वर्क्स का डिज़ाइन है वो अधिकतम किया गया 3 साइकिल्स पे या 4 साइकिल पे, 4 टर्न पे, यानी कि आप 24 दिन बंद रखेंगे पानी और 8 दिन पानी देंगे, या आप 32 दिन बंद रखेंगे 8 दिन देंगे। तो वो साइकिल, क्योंकि डिज़ाइन कैपेसिटी कम थी उन पॉन्ड्स की, वो सूख गए। कई जगह पे एक क्राइसिस आया इस बार, पानी बिल्कुल नहीं था और जिस पॉन्ड में पानी होना चाहिए था वो पॉन्ड सूख गया, क्योंकि उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है, होल्डिंग कैपेसिटी इतनी नहीं है और हमारी पीओ टर्न 4 हो गई 5 हो गई। तो ये एक बड़ा चैलेंज है आने वाले टाइम में कि इसको हम इस तरीके से प्लान करें कि हम लंबे से लंबा साइकिल लेके, कि आपके मान लो पानी 40 दिन बाद पानी आए तो आपकी होल्डिंग कैपेसिटी 40 दिन पे डिज़ाइन करना पड़ेगा। अभी तक जितने भी हमारे पास वाटर वर्क्स हैं उनकी होल्डिंग कैपेसिटी 24 डेज हैं। तो अगर हमारे पास पानी कम है और हम सब जगह पानी लेके जाना चाहेंगे तो जाहिर है आप 3 से ज़्यादा पीओ टर्न रखेंगे, 3 से ज़्यादा जैसे ही आप रखते हैं तो ये सूखने की स्थिति आ जाती है। आप अगर इस तरह से प्रयास करते रहें, सरकार इस तरह से गंभीरता से ले, तो कम से कम प्रदेश में तो ऐसी स्थिति से बचाया जा सकता है। आप मानते हैं क्या ऐसी आदर्श स्थिति बनेगी? बचाया जा सकता है, लोग भी सचेत हुए हैं, जो चेतना का स्तर है लोगों को बढ़ा है, और ये एक मान लो विभाग इसमें सचेत हो जाए और लोगों की भागीदारी हो ना हो, ऐसा नहीं है, ये दोनों तरफ से एफर्ट होने होंगे और लोग सचेत हुए हैं। अभी एक सरकार ने जो प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें टूंटी लगाओ पानी बचाओ वाला अभियान है, बहुत सारी ऐसी चेतनाएं हैं और उन पे काम हो रहा है, लोग भी आगे आ रहे हैं, उनमें भी एक जो ओवरऑल सेंसिटिविटी है वो बढ़ी है इस विषय को लेके कि आगे पानी नहीं है, पानी को कैसे बचाया जाए, कैसे संग्रहित किया जाए, कैसे उसको ऑप्टिमली यूज़ किया जाए, हर स्तर पे काम हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये सारे प्रयास अल्टीमेटली इस बात पे कल्मिनेट होंगे कि हम उस भयावह स्थिति से बच पाएंगे। डॉक्टर साहब ने बड़ी शानदार बात ये कही है कि इस तरह की स्थिति, जिस तरह के प्रयास किए गए हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट और जो वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट है, कि पानी को, खासकर जो ये लड़ाई रहती थी कि साउथ हरियाणा में एक अनदेखी की जाती है पानी के लिहाज से, लेकिन इस सरकार ने और डॉक्टर साहब की जो टीम है लगातार ऐसे प्रयास किए हैं कि वहाँ की समस्या ये ख़त्म हो सिंचाई की, और पीने के पानी को लेकर भी जोर दिया जा रहा है कि वहाँ ये दिक्कत भी ना रहे। और अफसरनामा में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि आखिर डॉक्टर साहब ने क्या वजह रही कि जो ये पब्लिक की इतनी बड़ी जो जिम्मेवारी है इस मुकाम को हासिल करना, और इसकी वजह क्या, उन्हीं के मुंह से जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। We'll be right back.